हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे आपका ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज की सीरीज़ यहां पर चल रही है। तो ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम कवर करेंगे। तो इससे पहले आपकी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबके जो एमसीक्यू हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा, क्लास 10 सोशल साइंस एमसीक्यू करके जो प्लेलिस्ट है उस वहाँ पर से आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको ट्राई करना है मुझसे पहले आंसर देने का, क्योंकि आपने ये चैप्टर जब पढ़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आते ही होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, खादर इज अ टाइप ऑफ, कि खादर किस सॉइल का टाइप है। तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं खादर की, तो खादर आपका एक टाइप है किसका, एलुवियल सॉइल का, क्योंकि एलुवियल सॉइल दो टाइप के होते हैं, एक आपका खादर होता है, दूसरा बांगर होता है। तो जो खादर होता है वो आपका कौन सा होता है, न्यू एलुवियल जो सॉइल होता है उसको हम खादर बोलते हैं, ओल्ड वाले को हम बांगर बोलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड, कौन से ईयर में अर्थ समिट हेल्ड हुआ था, जिसमें अर्थ के इन्वायरमेंट को लेकर जो है सारी बातचीत की गई थी, उसमें बहुत सारी कंट्री ने अपना पार्टिसिपेशन दिया था। तो ये अर्थ समिट हुआ था 1992 में, सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड इज प्लेन इन इंडिया, कि भारत में जो कितने परसेंट जो ज़मीन है वो पूरा का पूरा प्लेन है, इस चीज़ को बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका 43% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको MCQs में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर से थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सॉइल इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल हम किस सॉइल को कहते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल वैसे तो आपको और जो है क्वेश्चन में ही दिख रहा है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्योंकि आपका जो भी कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में उसका प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, तो इसी वजह से हम उसका दूसरा नाम ब्लैक कॉटन सॉइल के रूप से भी जानते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट अगर ये क्वेश्चन आप देखते नहीं ना, तो एग्जाम में हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो सकते थे कि अगर ऑप्शन दिया है तो शायद ब्लैक वाला ना हो, दूसरा हो। तो इसलिए को हर क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय, सॉइल को आप किस तरीके से कंजर्व कर सकते हो, मतलब सॉइल जो इरोजन होता है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, इसको लेकर क्वेश्चन है आपका। तो कटिंग ट्री से तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, ओवर ग्रेजिंग, ये सारी की सारी जो नेगेटिव ऑप्शन है आपके पास, और सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर इरीगेशन कैन बी सीन इन द स्टेट्स ऑफ, कि कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरीगेशन होता है। तो ऐसे जो स्टेट हैं वो हैं आपके पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, इसमें से आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कि कौन सा बायोटिक रिसोर्सेज, हालांकि साइंस में भी हम कवर कर चुके हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज को हम लिविंग की तरह कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर रॉक हो गया, माउंटेन हो गया, मिनरल्स हो गए, सारे के सारे जो आपके अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो फ्लोरा है, फ्लोरा क्या है आपका, जो प्लांट का ग्रुप है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो ये आपका बायोटिक डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है इस डेफिनेशन को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो ये है रिसोर्सेज की डेफिनेशन, बिकॉज रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स, ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई जो भी हमारा गिफ्ट ऑफ नेचर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉइल इज अ, सॉइल आपका किस टाइप का रिसोर्सेज है ये आपको बताना है, रिन्यूबल है, पोटेंशियल है, नॉन रिन्यूबल है, या फिर नन ऑफ देम। तो यहाँ पर बात हो रही है सॉइल की, तो सॉइल आपका रिन्यूबल रिसोर्सेज है, बार बार क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पर टेरेस कल्टिवेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका उत्तरांचल बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि फिलहाल इसका नाम उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो टेरेस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन इंडिया इन रिसेंट ईयर, रिसेंट ईयर में चाहे लैंड के बारे में बात करें, वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करें, तो उसका मेन रीज़न कौन सा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न चल रहा है इस टाइम पे वो आपका इंडस्ट्रियल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री हर टाइप के पोल्यूशन को कर रहा है, वाटर पोल्यूशन भी कर रहा है, लैंड पोल्यूशन भी कर रहा है, साथ ही के साथ एयर पोल्यूशन भी कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो है इसके अंदर कंसिडर होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोल, आयरन और पेट्रोलियम, डीजल आर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल ऑफ, ये सारे जो हैं वो आपके किस टाइप के रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। तो ये आपका प्योर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है।
Next question number 13, which one of the following term is used to identify old and new alluvial respectively. यहाँ पर आपको बताना है कि old और new alluvial soil को हम किस नाम से जानते हैं. तो हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कि जो आपको सबसे पहले तो बताना है कि old alluvial soil को क्या बोलेंगे और new alluvial soil को क्या बोलेंगे, और इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन. इनमें से कौन सा सॉइल जो है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है, तो वो आपका कौन सा है, ब्लैक सॉइल, जिसमें कॉटन की जो खेती है वो बेहतरीन तरीके से होती है. तो ये क्वेश्चन भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपके चैप्टर में कवर है, तो उनको लेकर ही सारा का सारा जो MCQ यहाँ पर कवर है. तो इसलिए आपको MCQ को डेफिनेटली इतना, क्योंकि MCQ करने से आपको पूरा का पूरा चैप्टर का रिव्यू भी हो जाता है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ाया तो कितना है, क्योंकि ये सब सारे पॉइंट्स हैं ना आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में भी थोड़े बहुत तो काम आने ही वाले हैं. इसलिए MCQ की सीरीज़ को ज़रूर देखिए और हर एक चैप्टर्स के देखिए. सो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 15, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में कितने परसेंटेज जो है फॉरेस्ट एरिया है, ये आपको बताना है. तो हमारी कंट्री में ये है टोटल 33%. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड एवापोरेशन. इसमें से कौन सा सॉइल जो है वो हाई टेम्परेचर और एवापोरेशन की वजह से डेवलप होता है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है. तो उस टाइप का सॉइल आपका एरिड सॉइल, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी एक्वायर्ड बाई अ नेशन. इसमें से कौन सा रिसोर्सेज है जिसको एक नेशन एक्वायर्ड करता है, उस पर नेशन का पूरा कंट्रोल होता है, तो उस टाइप के रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज. तो नाम से ही कुछ चीज़ें क्लियर है. वैसे तो ज्योग्राफी जो है आपका थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है, और तो इस वजह से MCQ भी आपका थोड़ा इजी ही रहने वाला है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू ब्रेकअप द फोर्स ऑफ विंड. इनमें से कौन से मेथड को यूज़ किया जाता है तो ब्रेकअप करने के लिए जो भी फोर्स होती है विंड में, तो ये आपको यहाँ पर बताना है. तो इसका जो है शेल्टर बिल्ट करके जो है मेथड है जिसको यूज किया जाता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न क्या है, तो लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीज़न मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो वहाँ पर है डीफॉरेस्टेशन. जबकि हमने देखा था आपका जो महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इरीगेशन की वजह से वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन होता है. और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज नॉट एट ऑल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट एट ऑल. तो बेसिकली जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बात पे फोकस करता है कि डेवलपमेंट ऐसा करूं जिससे कि एनवायरमेंट पे कोई भी डैमेज ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप जो चीज़ें हैं उसे सेव करके रख सकूं. तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 20 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. तो ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन. आई होप कि आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा. आप सबने इस चैप्टर को तो पढ़ा हुआ ही होगा, ऑफकोर्स फर्स्ट चैप्टर है तो, और जिन्होंने भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा उनका स्कोर कम से कम 18 तो आना ही चाहिए. बाकी जिनके कम भी है वो चैप्टर को दोबारा से पढ़िए तो आप भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसके बाद जो आपको बेल दिखेगा उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको